उधर उधर जाता है, इधर कोई आम नहीं जाता। यही बात, अच्छी बात है। इसकी शमशाल वाली है, इस पर वाली है। सो गाइज, दिस इज़ आवर सेकेंड डे ऑफ आवर ट्रेकिंग टू रश लेक। इस वक्त सुबह के 4:30 बजे हैं। हमारा ट्रेक आज का काफ़ी स्टीप है, तो जल्दी जल्दी से हम नाश्ता करेंगे और हम अपना ट्रेक जल्दी जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो आज सुबह जल्दी जागने की एक रीज़न ये भी है गाइज कि हम चाहते हैं कि जल्दी से हम अपना ट्रेकिंग शुरू करें और ये जो स्टीप रास्ता है वो धूप निकलने से पहले पहले कम्प्लीट करें, ताकि रास्ते में हमें गर्मी का कोई मसला ना हो। प्रोग्राम के मुताबिक हमने आज सुबह 4 बजे यहाँ से निकलना था, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से हमें देर हो गई। 5 बजने वाले हैं, तो बस अभी हम तैयार हैं, बिल्कुल एवरीथिंग इज रेडी। हमारी ट्रैकिंग हमारी मंजिल से करीब तर होती जा रही है। आप देखें मेरे सर के ऊपर ये जो चोटी नज़र आ रही है, अभी हमने इस चोटी को क्रॉस करना है। जैसे चोटी को क्रॉस करके हम नीचे जाएंगे, रश लेक तक एकदम से पहुंच जाएंगे। के बाद हमें नए पहाड़ों का, नई पीक्स का एक नया सिलसिला हमें नजर आता है। वाजिद भाई हमें बताएंगे कि ये जो पीक्स का जो सिलसिला है हमारे बैक साइड पे। जी काकू, बस हम यहाँ पे पहुंचे हैं चिदिनहरा। तो यहाँ से जो आपको पीक्स नज़र आती हैं वो दस्तगिरी सर सामने आपको ले नज़र आता है, उसके बाद खुनियंग नज़र आता है, उसके बाद फिर तेरवर पीक नज़र आती है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाके शायद नज़र आ रहा होगा आपको, वहाँ पे आपको बिटन मिल पीक नज़र आती है। फिर हम थोड़ा सा इससे और ऊपर जाएंगे तो मज़ीद 3 से 4 पीक मज़ीद नज़र आ जाएंगे। ऊपर जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ से K2 और ब्रॉड पीक G2 का मंजर हम आज ज़रूर देखेंगे। अब आने वाली जो ट्रेकिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बुदा है उन माँ बैंक यार काउ तो बंदा है। दिया उस्ताद की दिया। बिलाखिर वो डिस्टिनेशन आ गई जिस मकसद के लिए हमने 6 घंटे की ट्रैकिंग की। हाँ, सुबह जब हम निकले थे Day 2 की ट्रैकिंग जब हमने स्टार्ट की थी नीचे कैंपिंग साइट से, तो उस वक्त 4:30 बजे थे और बिलाखिर हम यहाँ पहुँच गए इस रश लेक के ऊपर। ये देखिए ये सारी रश लेक, और उसके बिल्कुल सामने आपको 3 मुख्तलिफ चोटियों का सिलसिला आपको मिलेगा। खूबसूरत पीक के नीचे ये रश लेक, जो कि दुनिया की बुलंद तरीन झील है, और पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में इससे बुलंद तरीन झील दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। 4,700 मीटर सतह समंदर से ऊंची है ये जगह। माशाल्लाह सक्सेसफुली हमने इस अटेम्प्ट को कंप्लीट किया, और बहुत टफ टाइम देना पड़ता है, कोई आसान ट्रेकिंग नहीं है गाइस ये रश लेक तक आना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आ रहे हैं आप? क्या नाम है आपका?
महबूब साहब क्या हैं, आप खैरियत से हो? अच्छा वो चला गया, वो छुट्टी पाया था जुलाई के महीने में, चला गया वो बस। इस दफा सर हमने ना ये ट्रैकिंग का नया काम शुरू किया, ये उधर उधर जाता है, इधर कोई आम आदमी नहीं। जी जी जी, यही बात, अच्छी बात है। इसकी शमशाल वाली है, इस पर वाली है, वेरी गुड। और लकी की जगह छोटे छोटे गांव में जाता है, उनके साथ रहता है, वो खाते के हैं, रहते किस तरह, सोते किस तरह। टिकट हुआ से साल बहुत जबरदस्त मान के लिए। ऑलराइट गाइस, 6 घंटे की ट्रैकिंग के बाद मुसलसल थक हार के जब हम पहुंच गए इस लेक पे और आसपास का व्यू देखा, ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, पीक्स, तो एकदम से हमारी थकावट ख़त्म हो गई। तो अगर आप खूबसूरत तरीन नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप ट्रैकिंग करें, आप आएँ इस जगह पे लश लेक के साथ आसपास, तो आपको दुनिया की वो ब्यूटी मिलेगी जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। आपको चारों तरफ पीक्स ही पीक्स मिलेंगे, आपको बीच में खूबसूरत लेक है, रश लेक, बुलंदी पे, इतनी बुलंदी पे खूबसूरत रश लेक, और इस रश लेक के आस साइड पे खड़े होके आप किसी भी जगह पे किसी भी साइड पे व्यू करेंगे, आपको एक बड़ा सा बड़ा पहाड़, बड़ी सी बड़ी पीक, स्नो कवर्ड पीक आपको देखने को मिलेगी। अभी खाना हमारा तैयार है, हमारा जो लंच है बिल्कुल सिंपल है, तो हमने मैगी का अहतमाम किया है क्योंकि एक हल्की सी गिज़ा है, तो लंच में हम सिर्फ मैगी खाएंगे, इजी रहेंगे, आसानी रहेगी, भूख भी मिटेगी। खाने के फौरन बाद मैं यहाँ से ड्रोन फ्लाई करूँगा। और यहाँ रश लेक का वेदर का कोई इतबार नहीं है, एकदम से हवा चलती है, बादल छाए रहते हैं, फिर धूप पड़ती है, तो मैं थोड़ा सा इंटरवल देखता हूँ, ऐसा इंटरवल जिसमें धूप निकले और हवा थम जाए, तो फौरन यहाँ से मैं ड्रोन फ्लाई करूँगा, लेक का व्यू दिखाऊँगा, और व्यू बहुत खूबसूरत है गाइस।
यहाँ हम लोग पहुँचे थे सुबह 10:30 बजे और उस दौरान मौसम थोड़ा सा क्लाउडी था। धूप ग्रुप होते होते आखिरी किरणें इन बड़े बड़े पहाड़ों और चोटियों के ऊपर पड़ती थी, तो उस दौरान मैंने सारे पहाड़ों के टाइम लैप्स लिए हैं। बहुत मेहनत से मैंने टाइम लैप्स लिए हैं, तो गाइस फिलहाल ये टाइम लैप्स इंजॉय करो।